हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम भिन्नों को जोड़े कैसे और घटाना कैसे है, भिन्नों का जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो हम लेंगे जोड़, भिन्नों का जोड़, कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ें और भिन्नों को कैसे घटाएं। पहला प्रश्न जो इसका है वो है कि 3/10 प्लस 4/10। देखो, जोड़ने में जो भिन्नों का होता है वो दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है जिसमें नीचे वाली जो संख्या है, जैसे ऊपर वाली संख्या को तो हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। भिन्न में ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर होती है। पहला प्रश्न जो आता है ऐसा जिसमें हर समान हो, और जब हर समान हो ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो जैसे इसका पहला प्रश्न हमने लिया जोड़ वाले का, बहुत इजी हो जाता है जोड़ वाले का जब हर समान हो तो। 3/10 प्लस 4/10, यही प्रश्न है हमारा, ठीक है ना। तो अब जब नीचे वाली संख्या मतलब हर समान हो तो करना क्या आपको, नीचे 10 है तो 10 लेना है, दोनों में 10 10 है तो 10 ले लीजिए, और 3 प्लस कितना ले लीजिए, 4। और 3 और 4 कितना होता है बताइए, 3 और 4 होता है 7, तो 7/10। तो बहुत ईजी है वाला, तो ठीक है ना। जब हर समान हो तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट अब इसी का करेंगे, इसका फर्स्ट हो गया हमारा जोड़ वाले का, सेकंड। अब जो दूसरा है ना इसका जोड़ वाले का, उसमें क्या है कि हर समान नहीं है, क्योंकि इसमें 8 है और इसमें कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। हमारा क्वेश्चन है 7/8, ठीक है, प्लस 6/21, यही क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर लेना है, सिंपल है। 8 और 21 को आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 आया, कितना है 168। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा मतलब 7 को 21 से और 6 को 8 से, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, मतलब 147 आया, कितना है 147। प्लस का निशान प्लस लगा दीजिए, 8 6 48, 8 6 48 सॉल्व कीजिए, तो 8 और 7 15 का 5 हासिल, 1 4 4 8 और 1 9 और 195/168। अब आप देख लीजिए ये संख्या कटती है तो इसको काट दीजिए। कैसे कटेगी, जैसे हम 2 के पार से तो नहीं कटेगी, 3 से देख लेते हैं। 3 6 18 3 5 15 और 3 5 15 और 3 6 18, तो कट रही है ये 3 6 18 3 5 15, फिर 3 5 15 और 3 6 18, तो आंसर कितना आ गया, 65/56। इसका आंसर कितना आया, 65/56, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम पहला प्रश्न हो गया हमारा, पहला प्रश्न जो था वो क्या था, जोड़ वाला था, जिसमें हमने दो तरीके के प्रश्न देख लिए। एक वो प्रश्न जिसमें अंश हर क्या है, समान है, और दूसरा वो जिसमें हर असमान है, अलग अलग है, ठीक है ना। सेम इसमें घटाने वाला भी ऐसा ही होता है, जो घटाने का प्रश्न होता है वो प्लस की जगह क्या कर देना है, केवल माइनस कर देना है। जैसे घटाने का प्रश्न लेते हैं अपन, दूसरा नंबर का जो हमारा है घटाना, और घटाने का जो पहला प्रश्न है वो है 5/9 - 2/9, ठीक है। नीचे 9 9 है ना दोनों में, तो क्या करिए, नीचे 9 ले लीजिए, इधर क्या है 5 और -2, 5 में से 2 यदि हम काटेंगे तो कितना आएगा, 3/9। 5 में से 2 काटा तो 3 आ गया, तो आंसर कितना आ गया इसका, 3/9। और यदि ये भी कट रहा है तो काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 3 का 9, आंसर क्या हो गया, 1/3, 1/3, ठीक है। अब इसी का दूसरा करते हैं अपन, तो इसका दूसरा है 11/13 - 1/3। सेम करना है जैसे हमने प्लस में किया है, दोनों को गुणा कीजिए, 33 कितना होता है, 39, 33 39, नीचे वाली संख्या को दोनों गुणा किया, 33 39। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा, 11 3 33 और 13 एकम 13 कीजिए, माइनस,
33 में से 13 गया तो 20 बचेगा, 20 बटा 39, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जो भिन्नों का जोड़ना और घटाना जो है इस पूरे वीडियो में हमने सीखा है। एंड अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हम भिन्नों को कैसे जोड़े और भिन्नों को कैसे घटाएं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।